हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 के साइंस के एनसीईआरटी बुक के ग्रेविटेशन चैप्टर के एक क्वेश्चंस को, जो कि है व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल का क्या मतलब है? तो आप एक बात को समझोगे, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को है ना कुछ हाइट से ड्रॉप करोगे, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? नीचे आएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ क्या लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे हो और वो अर्थ की तरफ आ रहा है और उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ऑफ अर्थ ही काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही लग रहा हो, तो उस फॉल को हम बोलेंगे फ्री फॉल। एक बार फिर से समझना, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आए और उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ही लग रहा हो, तो उस फॉल को हम फ्री फॉल बोलेंगे। एक बार देख लेते हैं क्या आंसर है। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस की तरफ आ रहा हो, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ऑफ द अर्थ ओनली, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ऑफ अर्थ ही लग रहा हो और कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा हो, कोई और दूसरा फोर्स न लगे, तो उस फॉल को हम फ्री फॉल बोलेंगे।